नौजवान उस्ताद। मैं इजी जी। बहरहाल अपनी पसंद में, लेकिन अच्छा कबूतर मेरा ता अच्छा, थोड़ा ता अच्छा। लाल बादशाह अखीर आउट क्लास के समय दोस्तों, अजान हो रही है पीछे, इसलिए चुप है। बस अजान ख़त्म होती है तो फिर इंशाल्लाह बात शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज़ और रोमांच के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। और सब दोस्त सुनाए कैसे हैं, सब खैरियत से? दोस्तों आज अपने दिल की ख्वाहिश पे चुने उठ बैठा हूं। दिल की ख्वाहिश पे इसलिए बोला है क्योंकि जो हमारे बड़े बड़े असाज़ा कराम हैं बड़ी बड़ी उम्रों के और नौजवान उस्तादों के पास आज बैठा हूं, और कुछ कबूतरों का शौक़ भी किया, माशाल्लाह बड़ा मज़ा है। और दोस्तों आज कुछ चीज़ें डिस्क्लोज करेंगे हम, मैं करूंगा मतलब उस्ताद जी के साथ मिलके, कि उस्ताद मिठू लाली साहब पंजाब में कैसे विनर हुए, उसकी पीछे क्या है, बुनियाद क्या है, और उस्ताद हसन लाली साहब से भी गपशप होगी, साथ में कबूतर परवरी पर भी बात होगी, और अच्छे बुरे कबूतर के ऊपर भी हल्की फुल्की जो है ना वो गुफ्तो शुनीद रहेगी। तो आज इंशाल्लाह मेरे, आपको पता ही है कि सिलेक्टिव इंटरव्यूज़ होते हैं मेरे, तो आज का इंटरव्यू जो मेरा जाने वाला है इंशाल्लाह बफजले ताला अच्छा ही जाएगा, क्योंकि जैसे ये दोनों भाई बड़े नफीस हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इंटरव्यू भी पसंद आएगा। और आप लोगों की अक्सर व बेशतर ये मुझसे फरमाइश हुआ करती थी कि आप जो लाली बरदरान हैं उनकी तरफ क्यों नहीं जाते, तो दोस्तों आज उनकी खिदमत में हाजिर हूँ और गपशप लगाएंगे। तो मैं चलता हूँ साजा ग्राम की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। उस्ताद जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी। उस्ताद जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त से टाइम दिया। तो नहीं ऐसी कोई बात नहीं भाई, आओ हमारे टाइम भाइयों के लिए होता है ना। बहुत शुक्रिया। और ये छोटे उस्ताद, उस्ताद जी सबसे पहले तो बेटे की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देखने वालों को और ईद खैर मुबारक। बहुत शुक्रिया जनाब। ठीक है। और ये दोस्तों अक्सर मेरे साथ देखते हैं, ये मेरा छोटा भाई
और ये उस्ताद जी तारफ करवा देंगे इनका। छोटे भाई भी और शरीफ भी हैं आमचंदर साहब। माशाल्लाह जी। अच्छा उस्ताद जी, मैं थोड़ा सा इंटरव्यू रूटीन में दोस्त से शोक शोक करवाते हैं, हल्की फुल्की सी बातें करती है, तो आज जो कंटेंट है थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। पहले उस्ताद मिठू लाली और हसन लाली पहला कंटेंट होगा, ये कैसे बने छोटे से इलाके से उठ के इस वक्त जो है ना वो नाम पूरी दुनिया में अल्लाह ताला के फजलो करम से जो है ना वो जान रहा है, जिसने कबूतर रखे हैं हाई फ्लायर येलो फ्लायर वो आप दोनों भाइयों को जानता है, ये कैसे सब कुछ हुआ, कैसे मुमकिन हुआ, इसके पीछे कितनी मेहनत कार फरमा थी और कौन से कबूतर थे जो आपको जो है ना चिनेट से उठा के पूरी दुनिया में ले गए। इसमें बात ये होती है कि कबूतर सब लोगों ने रखे होते हैं, ये अल्लाह पाक का खास करम होता है, उसके करम नवाजी के साथ वालदैन की दुआएं भाइयों की दुआओं के साथ अल्लाह पाक ने इतना बड़ा मकाम दिया हमें कि हम तो इस अपने ज़िला में सबसे लेट आने वाले कबूतर फरमा रहे हैं, सबसे ज़्यादा लेट हम हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट थे जब तक ये हमारे इलाका के उस्तादा कराम अरूज पर थे, हमारे हाथों में बुक्स थी, ठीक है, हम कबूतर भी उड़ाते थे और कॉलेज भी जाते थे, तो पहले स्कूल जाते रहे कबूतर उड़ाते रहे, हमने स्कूल लाइफ में बाजियाँ शुरू की, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जाट फैमिली से हमारा तल्लक था, जिम्मेदार शोबे से तल्लक था, तो शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थे, तो इसी शौक में पढ़े, ठीक है, घर वालों ने पहले बड़ी मुखालफत की हमारी कि ये मरासियों का शौक है, ये हमारे इलाके के ऐसे हालात है ना जी, तो यहाँ पे हमारी फैमिली में किसी और को शौक था कुछ कि इसको अच्छा नहीं समझते थे, जहरी बात है जब बच्चा होता है वो शौक इस कबूतर पर पीछे भागना इधर भागना कबूतर तलीम का नुकसान, घर वालों ने हमें और अपना स्टडी के लिए इधर लाए, हम कबूतर बाज बन गए, घर वाले हमारी पहले मुखालफत करते थे, मगर फिर कुछ अरसा ऐसे ही गुजरा तो उनको ये पता चल गया कि हमारे बच्चे जो है ना ये बाज आने वाले नहीं है, बाज आने वाले भी नहीं है, और चलो ये घर तो मिलते हैं ना, कहीं और तो नहीं जाते, किसी बुरी महफिल में तो नहीं जाते, देखिए आज कल अगर जो हमारे नौजवान हैं कोई शराब पी रहा है, कोई चर्च पे लगा, कोई नौजिल्ला माफ़ ये हालात से जब देख के उन्होंने कि हमारे जो कबूतर उड़ाते हैं ना, तो फिर गहरी बात हमारा गांव का सारा सिस्टम था फलफत पहले मगर अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, मगर इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा थी हमारी, हमने हिम्मत नहीं हारी, हसन भाई और मैं जब स्कूल जाए। अच्छा मुझे ये बताएं आप क्यों, आप बड़े थे आपकी तो मुखालफत हुई, हसन को साथ कैसे शामिल कर लिया? हसन भाई धक्के से आ गए हसन भाई बड़े नफीस आदमी, हमारी पूरी फैमिली में से ना हसन भाई नफीस आदमी थे, मतलब इसको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, ये इतने नफीस आदमी थे कि मैं तो वैसे ही जट सा बंदा हूँ, ठीक है ना, हसन भाई हमारी पूरी फैमिली में इतने नफीस आदमी थे, ये कभी भी एसी वाले कमरे से बाहर निकल के कबूतरबाजी नहीं करते थे, ठीक है, अगर इसी वाले कवरेज ने मुझसे पूछना, मगर जब आए हैं ना फिर इन्होंने मुझे प्रॉपर मेरा ऐसे साथ दिया है, फिर मेरी कबूतरबाजी को चार चांद लगी जब हसन भाई फिर साथ मिले, पर एक एक होता है दो होते हैं ना, जब फिर अल्लाह पाक का बरकत भी हो जाती है जी, फिर हसन भाई ने मेरे साथ मेहनत की, वो मेरे बीमार होने के बाद इसने की है, ठीक है, मेरा इसने बड़ा साथ दिया, पहले तो हम अपने ज़िला के बेशुमार दफ़ा चैम्पियन हुए, ठीक है, तो जब से फिर हम दोनों इकट्ठे हुए तो अल्लाह पाक ने मेरी कामयाबियों पर कामयाबी अदा की है, तो उसमें कबूतरों की आप बात कर रहे थे, हमारे जो सबसे पहले अरूज जिन कबूतरों ने पकड़ा और जिसकी वजह से हम चैंपियन हुए, जिले पहले ज़िले में उतरे हैं, फिर बाद में हम 2019 में गए फर्स्ट टाइम पंजाब खेलने, तो अल्लाह पाक की खास मेहरबानी से अल्लाह पाक की खास करम नवाजी से कि हम फर्स्ट टाइम चैंपियन पंजाब लगे, फिर दूसरी दफ़ा खेलने 2020 पंजाब, तो 6 रोज़ा 14 महीने और घूमना जो अपना आमरंज वाला कप है 6 रोज़ा, हमने 692 घंटे 6 प्रवास में बनाकर पहली 6 सेंचुरियाँ थी हमारी, तो चैंपियन पंजाब करार पाए, फिर 2021 में फिर खेल रहे हैं पंजाब, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मेहरबानी से हम पंजाब अभी तो पंजाब की तरीक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है 90 घंटा प्लस एवरेज 7 कबूतरों के साथ किसी ने भी, तो रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, तो विशाख में हमने ये रिकॉर्ड बनाया है और चैंपियन पंजाब हो गए, मतलब 3 सालों में 3 दफ़ा चैंपियन पंजाब का टाइटल अल्लाह पाक ने हमें अदा किया है, आप भाइयों की दुआ है वालदैन की दुआ है, पहले और उसके साथ आपकी मेहनत, मेहनत तो फिर खैर सारी करते हैं जी मेहनत में भी फर्क होता है मेहनत देखना अपना भाई के मेहनत करते हैं सारे,
असल में हर बंदे का खेल पानी, दाना पानी, तरीकेकार अपना अपना होता है। एक बंदा जितनी मर्जी मेहनत कर रहा है, मुझे फर्ज करें ये गाड़ियों का काम नहीं आता, ठीक है, मुझे गाड़ियों का काम क्या नहीं आता, मुझे गाड़ी चलानी भी नहीं आती, ठीक है, मैं जितनी मेहनत करूँ गाड़ियों के काम में तो मैं इसमें नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि मुझे आता नहीं है, मुझे जितनी मर्जी मेहनत करूँ सीखना पड़ेगा। ये तरीकेकार हमारे ठीक थे कबूतरबाजी में, तो अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट भी अच्छे आए हैं। जब तक खेलते जा रहे हैं अल्लाह पाक की मेहरबानी है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे उस्ताद मिठू लाली और हसन लाली का जिक्र हो गया, कैसे बने? उस्ताद मिठू लाली और हसन लाली को दुनिया में मशहूर करने वाले कौन से कबूतर हैं? उनका जिक्र ना हो तो मेरे ख्याल में ज्यादती होगी। लाल बादशाह कबूतर। वो कैसे बने, किस तरह बने, उसमें उस बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइएगा। 2008 में हम एक बाजी उड़ा रहे थे, 2008 में 8, 10, 12। ये लाल बादशाह लाख कबूतर है, ये भी जरा बताइए। ये लाख पहले नहीं थे, एक कबूतरी उड़ी थी, वो थी जिस तरह जीरे कबूतर होते ना, जीरे कबूतर आप ये कह लें वो लाल मोतियों वाली कबूतरी, लाल मोतियों वाली, लाल मोतियों वाली कबूतर उड़ा था। बटेरा, बटेरा मेरी छत पे नहीं थे, किसी की छत उड़ा रहे थे, उस पे वो कबूतर उड़ रहे थे, मिलकर शौक करते थे एक छत पे, इधर करीब छत रब्बा मेरी छत, तो उस पे वो मैंने उसको कहा कि यार एक जोड़ा लगाओ। 47-47 नंबर थे उस साल, पड़े थे, बड़ी गर्मी थी, उसमें वो कबूतर 4-5 बजे बैठते थे, मगर इतनी जदीद कबूतर बज भी नहीं थी। वो मैंने जोड़ा लगवाया, मैंने कहा मैंने एक बच्चा लेना है, दोस्त था मेरा, उसने कहा ठीक है भैया आप ले लेना। तो उसने 3 माह बाद मुझे फ़ोन किया कि यार बच्चा है तो आपने कहा था तो ले लो। मैं गया, एक अलपरा बच्चा निकला, एक लाख का, मैं लाख का बच्चा लेके आ गया। मुझे उसकी माँ ज़्यादा पसंद थी, उस जोड़े में से ना मादा मुझे ज़्यादा पसंद थी, इसलिए मैं वो पट्ठा था वो मैं लेके आ गया। मैंने उसको उड़ाया, मेरी बाजी लगी, फर्स्ट टाइम जब मैं चैम्पियन जिला चनौर का हुआ हूँ उस पट्ठे की वजह से हुआ हूँ। फिर वो पट्ठा मैंने आगे जोड़ों में डाला तो उससे निकले लाल बादशाह कबूतर, ठीक है। फिर वो जब जब निकले हैं ना उन्होंने अपने लोहा मनवाते गए, फिर उससे आगे मैंने सारे लाल बादशाह बने। जब मैं फर्स्ट टाइम जब चैम्पियन बना हूँ उसमें 4 ही निकले थे पट्ठियाँ, पट्ठे हमारे पास जोड़े बहुत कम होते थे, 4 ही निकले, 4 बाजी में उड़े और 7 दिन उड़े हैं, और गेट पर 8-8 बजे उन्होंने परवाजें दी हैं, ठीक है। 2 भाई थे, 2 बहनें थी, तो 8-8 बजे तक उन्होंने परवाजें दी हैं। तो फिर उससे आगे फिर हम चले आगे चलते आ रहे हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह तादाद हमारे पास पढ़नी शुरू होगी इनकी, ब्रीडिंग में भी और उड़ाने में भी, इंशाल्लाह उम्मीद है कि चल बाज जितने भी अच्छे कबूतर हो ना शाम तक ही उड़ते हैं, इससे ज़्यादा कोई भी 2 शाम को भी नहीं उड़ता, बहुत होता है तो शाम तक ये भी उड़ते हैं। टेम्परेचर वाले कबूतर हैं, नमी में सारे कबूतर उड़ते रहते हैं, आपको पता है इस बात जी, नमी में एक जैसे हो जाते हैं, कबूतर चमक में भी उड़ते रहते हैं, अदर से ऊपर भी खड़े हो जाए तो उड़ते रहते हैं इन मौसमों में, ठीक है। तो गर्मी में जो टेम्परेचर को बर्दाश्त करता है कबूतर भी होता है, खानदानी भी होता है, हमने तो सिर्फ ब्लड लाइन पर बिलीव करते हैं कि उसको मेनटेन कर लिया, अगर कबूतर बड़ा निकला तो मादी छोटी लगा के उसके साथ गुजारा चला लिया। मगर हमने जब भी जोड़ा लगाया है ना, हमारे पास ज़्यादा जोड़े ना होने की वजह ये है कि हम जोड़ा लगाते हैं बहुत अच्छा उड़ा उड़ा, या अगर आपसे भी लिया है ना कोई फर्ज करें तो आपसे वो कबूतर लेना जो आपके पास जिसने जोर दिखाए उसी नस्ल से लेना, वरना हमने न्यू कबूतर इंट्री अपने में नहीं करना। इनके जिसका पीछे ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा, जिसके पीछे बेस हो, ठीक है ना, फजूल कबूतरों को क्या करना है, एक एक कबूतरों से दड़बियाँ भरी पड़ी हैं, लाखों करोड़ों के हिसाब से कबूतर पड़े हैं, ठीक है ना। अब आप दड़बियों में जाएंगे आपको इतने हसीन कबूतर मिलेंगे, दिल निकालने वाले कबूतर होंगे, मगर रिजल्ट जो है, मैं किसी कबूतर को तनकीद नहीं कर रहा, मगर आपके सामने रिजल्ट है। सारे कबूतर लाखे भी अच्छे नहीं होते, सारे टैडी भी अच्छे नहीं होते, सारे डब वाले भी अच्छे, ये खानदान होते हैं चंद कबूतरों के, इस तरह जिस तरह इंसानों की कास्ट होती है, कोई जट है सारे जट भी अच्छे नहीं होते, कोई भी है इस तरह कोई भी कास्ट ले, एक फैमिली में अगर 8 भाई हैं तो 8 के 8 अच्छे नहीं होंगे, मुख्तलिफ होंगे जी, चले वो फैमिली तो एक फैमिली होती है ना, वो तो अलग मैटर है ना, वो अपना खानदान तो उसका अच्छा है, मगर एक खराब निकला है तो उसकी हैरत जगाने वाली बात है। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, अगर आपके पास ब्लड लाइन अच्छी है ना, एक नस्ल से कबूतर उड़ रहे हैं, एक कबूतर आपका नहीं उड़ रहा, आप जब भी उसको खेल पानी लगाएंगे वो अपनी गैरत का मुजाहरा जरूर करेगा, क्योंकि उसके पीछे खून बहुत अच्छा होता है, ठीक है, उसकी गैरत जगाने वाली बात होती है, जब तू गैरत मानता है तो कौन सी बगैरती पे लगा हुआ है, ठीक है ना। तो जो दूसरे कबूतर होते हैं ना ऐसे फजूल बने होते हैं, खूबसूरती सब में होती है,
मगर वो हम नहीं लाइक करते, बाकी लोगों के अपनी अपनी शौक है, लोगों ने बहुत अच्छे कबूतर। अच्छा ये आप खूबसूरती किसे कहते हैं, ये भी तो जरा थोड़ा सा बताएं। जिस तरह आजकल हमारे नौजवान लड़के हैं ना, हमारे भाई हैं छोटे, तो वो लगे हुए हैं कोई टैडियों के पीछे। टैडी कबूतर बहुत ही उमदा कबूतर है अगर हों तो, ठीक है अगर टैडी हो तो ठीक है। टैडियों के ये बुरा नहीं कह रहा, मगर अब मैंने किसी का नाम लेना पसंद नहीं करूंगा कि मैंने देखा है फेसबुकों पे लोगों ने लगाए हुए इतनी इतनी लंबी उनकी चुंजी है सफेद रंग की, कोई कैसे बना हुआ है, कोई कैसे बना हुआ, 10 चक्कर भी लगाने वाले को। अच्छा चले मैं चलो चूंज से एक चूंज से सवाल दिमाग में खुद क्लिक किया। अच्छा बिट्टू भाई ये हमें बताएं, क्योंकि आप कबूतरबाज हैं, जेन्युइन कबूतरबाज है, जो कबूतर की परफॉर्मेंस पे जो है ना वो सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं, और जोड़े भी आप इसी हिसाब से जैसे आपने खुद बताया परफॉर्मेंस के बाद ही जोड़े में आना होता है। जो अभी आपने एक सफेद नोक वाली बात की और काली नोक वाले कबूतर है, मैं अपना जाती अगर तजर्बा आपसे शेयर करूं तो काली नोक वाले 90% मैंने कबूतर चैंपियन देखे। क्या कभी ऐसा भी हुआ कि कुछ सफेद नोक वाला कबूतर चैंपियन हुआ? यार मेरा तो कभी इनसे वास्ता नहीं पड़ा, किसी और छत पे हुए होंगे, मेरी छत पे ना उड़ाए कोई सफेद नोक वाला कबूतर तो ना मैंने देखा है। क्या हो सकता है मेरे पास अच्छा कुछ ना आया हो, मेरे पास नहीं। ये आपकी बात 100% ठीक है कि सफेद नोक वाले कबूतर मैंने, क्योंकि मेरा काम है छतों पे जाना, मैंने काली नोक के कबूतर चैंपियन देखे। आप इस बात का तो मुझे ना काफी सारे लोगों ने ये कबूतर जो है ना 35 वाले इनके बारे में लोगों ने बड़े मुझसे पूछे यार ये कबूतर कैसे, मैंने कहा भाई मुझे सिर्फ आप ये बता दें कि किसी छत पे आपने इसको चैंपियन बनते देखा, आज तक देखा है 35 वाला कबूतर चैंपियन बनाओ? कहते देखा तो, मैंने कहा जब जिस चीज उड़ती नहीं आपने देखा तो उसका क्या जिक्र करना है आपने। ठीक है ये बातें होती है बस समझाने वाली। मैं आपको कबूतर शौक करवाऊंगा कि जिन्होंने पंजाब पूरा जीता है, जिन्होंने ये नहीं कि बारी बारी पे परवाजें क्या है उनकी, रात की परवाजें हैं उनकी, इतनी इतनी चूंजी होंगी छोटी छोटी। ठीक है बाकी नस्ल अच्छी होनी चाहिए, चूंज लंबी हो या छोटी हो बात ये नहीं होती। अच्छे खानदान में छोटे कद के भी निकल आते हैं, बड़े कद के भी निकल आते हैं। ठीक है ना बाबू, होते तो नस्ल ही है, होते तो नस्ल है। अच्छा अच्छा मैं अब चलता हूँ छोटे उस्ताद की तरफ। उस्ताद जी कैसे हैं आप? उस्ताद जी मैं 110% इत्तेफाक करता हूँ मिठू भाई से, हमारे कबूतरबाजों में नफीस लोग बहुत कम है और आप उनमें से एक है। नहीं आपकी तरह आप सारा दिन धूप पे कबूतरबाजी करते हैं, आप कौन सी नफासत है। चले ठीक हो गया। स्टार्ट में ना शौक मुझे कबूतरों का बचपन से ही था, घर वालों के सामने मैं मुखालफत करता था कबूतरों की, तो एक बंदा वो सांप भी मारना होता है और लाठ भी बचानी होती है, ठीक है ना। तो उसके बाद वैसे शौक प्रॉपर छत पे जाके हम शौक करते थे, फिर स्टडी भी की, ग्रेजुएशन किया, LLB किया, तो फिर ये भी साथ रखना पड़ता था। फिर जब उसके बाद आज़ाद हुए तो फिर इंशाल्लाह प्रॉपर कबूतरबाजी में आए, फिर पूरी कबूतरबाजी की। शौक बचपन से जब से अब दूसरी तीसरी क्लास में थे तब से मेरे मामों ने रखे हुए थे कबूतर, उधर से हमें शौक पड़ा, फिर इसने अब तक किसी शौक में ही हमें उन्होंने छोड़ दिए थोड़े से रख के, तो हमने छोड़े नहीं। यानी कि उन्होंने जाग पक्की लगा दी, हमें लगाना था। अच्छा उस्ताद जी कबूतर आपके पास पहले भी अच्छे थे, उस्ताद उमीर मुख्तियार साहब की आपने सिलेक्शन की, तो उस बारे में हमें थोड़ा सा बताएं किस तरह जो है ना वो उस्तादी शिगिर्दी उस तरफ गए कबूतर या फिर जो मामला था जरा। हमारा उनके साथ तल्लक बड़ा पुराना था, 2015 में उनके साथ प्रॉपर एक दोस्ती हो गई स्वाद अमीर मुख्तार खान के साथ, वो हमें रहनुमाई कर रहे थे 2015 से, तो शिगिर्दी मैंने इख्तियार की है 2019 में। तो वो हमारी जितनी भी कबूतरबाजी पहले भी थी वो हमें रहनुमाई कर रहे थे, गाइड कर रहे थे, बड़े जिस तरह बड़ा भाई करता है उस्ताद भी हैं हमारा, उनके साथ दोस्ती वाला भी रिश्ता है, बड़े भाई भी हैं हमारे, तो उन्होंने हमें पूरा पूरा जो है ना गाइड किया। तो फिर जब 2019 में ये बात फिर प्रॉपर मैंने उनसे जो है ना उस्ताद की पग ले ली उस्ताद भी मुख्तार से, तो हमारी जो 2019 में भी हम जीते हैं तो वो सारी रहनुमाई उस्ताद अमीर मुख्तार साहब की। माशाल्लाह जी, नहीं जी वो तो वर्ल्ड फेमस है, ये तो सबके सामने ही है माशाल्लाह, इंसान भी बहुत अच्छे हैं। नहीं नहीं बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत ही अच्छे। हमें कुछ थोड़ा सा पिपला वाले कबूतरों के मुतल्लिक ही बता दें जी। पिपला वाले कबूतर हमारे पास जरा लेट आए हैं जी, तो पहले हमारे ये लाल बादशाह कबूतर और फिरोजपुरी कबूतर ये हम उड़ा रहे थे, और पिपला वाले आए तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आया,
अभी तो उस्ताद जी ने आपने बड़े काफ़ी अच्छे कबूतर उड़े हुए, चैम्पियन कबूतर भी छत पे भेजे हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मज़ीद बेहतरी है, बेहतरी है इंशाल्लाह जी। चलो अच्छा जी, मैं चलता हूँ अब मिठू भाई की तरफ। अच्छा मिठू भाई, आपके जो थोड़ी बहुत, सारी बातें नहीं पूछूंगा, थोड़ी बहुत हमारे साथ जो आप कबूतर की सिलेक्शन करते हैं उस बारे में आगाह करें, क्योंकि जब ऑफ द रिकॉर्ड जो मेरी आपसे बातें हुई उसमें बहुत कम लोग इस बात पे तवज्जो देते हैं। जैसे कि आज कल एक ट्रेंड चला हुआ है पार पुर्जा, हड्डी जोड़, बड़े बड़े रिंग, इन सब चीज़ों को पसंद करते हैं। तो आपकी कबूतर की जो सिलेक्शन है वो थोड़ी सी अगर हमारे साथ शेयर हो सके तो। पढ़ के आए स्कूलों से, कॉलेजों से, एक ही टीचर होता है जो उनको लेक्चर देता है, एक ही स्कूल में होता है जो पीरियड लेता है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में। भाई शिक्षक के ऊपर भी सब कुछ मुयसर होता है, उस्ताद अपना हक पीरियड पढ़ा के अदा कर देता है, सबको पढ़ाता है, मगर जिसने उसको देखा समझा कामयाब हुई होता है। उस्ताद की लाइन भाई सारे बच्चों के साथ ही होती है, उनको सबको ही पढ़ाता है, मगर जो बंदा खुद टैलेंट रखता है सीख भी सकता है, पढ़ भी सकता है, ठीक है ना। कबूतर जब मालिक उड़ा रहा होता है ना, मालिक का अगर दिमाग हाजिर है कबूतरों में तो वो खुद सिलेक्शन देख लेता है। मेरा एक कबूतर उड़ा हुआ है, आपको शौक भी कराऊंगा, ठीक है, 2019 में, थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी। नहीं नहीं करें आप, ठीक है करें। तो भाई शाह शबीर लेबल वाले के साथ मेरी बाजी लगी हुई थी, वो शोर कोर कमांडर और चोर कमांडर का तस्करा चला हुआ था उन दिनों में, वो सादा शेख हुसैन साहब को कह रहे थे कि मेरा ये, मैंने कहा यार असल उनके साथ हम कबूतर लगाते हैं कि हमने ग्राम का शोर कमांडर, वो भी सेम सादा शेख हुसैन जैसे काले कबूतरों में काला सा कबूतर है हमारा घर के लिए, वो उड़ कितना रहा था कि 12 से लेकर 1:30 बजे तक कबूतर बैठ रहा था। तो सामने कहा ये आप क्या करने लगे, उनका तो बड़ा अच्छे कबूतर उड़ते, मैंने कहा इस कबूतर इतना अच्छा किसने नहीं होगा, कहते वजह, मैंने कहा मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपने कहा तो मैं आपको परसों इसका कारनामा दिखाऊंगा। इन्होंने सामने जोर दिया कि आप दिखाएं क्या दिखाना चाहते हैं, मैं कहा ठीक है परसों वाली प्रवास में एक कबूतर आपको बताएगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। मैंने उस कबूतर को पकड़ा, पकड़ कर तैयार किया, अगली प्रवास छोड़ा, कबूतर बैठा 3:52 गर्मी, बहुत गर्मी थी उसमें, कम अज कम 46 थी वो मिस के रमज़ान में। तो जब कबूतर बैठा है ना उसको पता भी नहीं है मैं उड़ के आया हूँ। मैंने कहा अब बताओ, अब आप पूरा इलाका चेक करें, पंजाब चेक करें, कितनी छतों के कबूतर ऊपर रह गए। मैंने कहा ये कबूतर का नाम है आज से मैं रख रहा हूँ शोर कमांडर, ये कबूतर बाजियों में आकर शोर ना मचाए तो मुझे कह रहे, मैं उस पर फोकस कर चुका था, मैं उसको देख चुका था, जो उसके पीछे खून था ना मैं उसको भी देख चुका था, वो हमारा आजमाया हुआ खून, ठीक है, वो आगे भी टम्परेचर में हमारे पास पड़ी हुई, ये कम उड़ रहा था, यकीन मानो फिर मैं इसको 1:30 बजे लगाता नहीं, ये कबूतर 8 बजे 7:47 पे 6 कुछ पे ऐसे कबूतर उड़ा है, ठीक है ना। इसकी सिलेक्शन इसलिए मैंने इसको पसंद किया था जो उसके पहले उड़े ना इस खानदान से कबूतर, वो भी मेरे पास टम्परेचरों में बहुत शाम तक उड़े हुए, ये भी उनमें से ही है। चलो ये कम उड़ रहा है तो उसकी बैटिंग जो मुझे बता रही थी ना वो बता रही थी मैं आखिर कर दूंगा, उस कबूतर ने की है। आम कबूतर को देखो हर बंदा पसंद भी करता है जो उसका लेट कबूतर बैठता है, ठीक है ना, लेट बैठने वाला कबूतर और फिर ठीक बैठे तंग ना करे, कबूतरों को सिलेक्शन करनी चाहिए, बाकी फिर क्या करनी है। आपके कबूतरों में एक और क्वालिटी भी है कि आपके अपने बनाए हुए कबूतर हैं जी, ठीक है, तो ये सारे जो आपने कबूतर, नहीं मेरे पास दोस्तों से भी आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, अब दोस्तों से आ जाते हैं, लेकिन मेरे जो मैं जी मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ, आपके पास वाले वाले कबूतर नहीं है, ये उस वाले अब कबूतर आना, एक वाले में हम पड़े हैं आप 1.5 साल से चैंपियन होने के बाद बड़े हैं वाले वाले, ठीक है ना, मगर उसमें भी कबूतर जो हमारे पास आए हैं ज्यादातर वो आए नुमान पार से कबूतर, उनका इस साल भी कबूतरी उड़ती रही बाजू में, पिछले साल भी कबूतर मेहमान का उड़ता रहा है हमारे पास, अच्छे उड़े शाम तक वो भी उड़े हैं, तो इस तरह करके कबूतर उड़ते रहते हैं। मगर जो जब हम पहले उड़ाते थे इधर वादियाँ थोड़ी पबंद थी, हमें ज़्यादा कबूतर नहीं रखने पड़ते थे, 30-35 कबूतर रखते थे, ठीक है ना, ठीक है, उसमें से फिर 11 पबंद डाल दिए तो बाकी की जरूरत नहीं पड़ती थी, नया तो डालना नहीं होता था। ये तो जब खाता आया ना पंजाब में, अब पंजाब में इतने हमारे नहीं कबूतर उड़े जितने हमारे पहले उड़ते थे, ठीक है ना, पहले मेरे बहुत कबूतर लंबे उड़ते थे,
पहला पहला कबूतर 3 दिन 4-4 बजे बैठता था, 4-4 बजे जेठ में, ठीक है ना। मगर अब इंशाल्लाह हम अपनी थोड़ी थ्योरी चेंज कर रहे हैं फिर दोबारा कबूतरबाजी में इंशाल्लाह मजीद। अपनी तरफ से इंसान जितनी की तरफ जाता है, मगर आगे अल्लाह पाक का काम है, जो उसकी मर्जी हद हुई है, कुछ कर रहे हैं कि मजीद अच्छा रिजल्ट आगे करें। अच्छा उस्ताद जी, हमें तो अच्छे कबूतर के मुतालिक कुछ थोड़ा बहुत बताएं, और ख़ास तौर पे अक्सर असाज़ा क्राम कुछ रहस्य गाले हैं कि छुपी बातें हैं जिन्हें हम मैं कोशिश करता हूँ कि ढूंढने की कोशिश करें। उस्ताद जी, अक्सर असाज़ा क्राम ये बात पकड़ते हैं कि कबूतर यार इस कबूतर के अंदर परवाज बहुत ज़्यादा है, तो वो जो परवाज का पॉइंट है वो कैसे पकड़ा जाता है, थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें। अपने अपने नॉलेज के मुताबिक बात करता है, ठीक है। अल्लाह पाक ने लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज दिया हुआ है, ठीक है, वो पकड़ को बता देते हैं इतने घंटे उड़ेगा, ठीक है। मगर जो देखा जाता है उसकी पर की कंडीशन देखी जाती है, जो ज़्यादातर मैं देखा उस देखते हैं उसकी बॉडी देखते हैं, बॉडी किस तरह के लोग आगे से चौड़ा कबूतर बड़ा पसंद करते हैं, पीछे से बंद बड़ा पसंद करते हैं, दुम उसकी बंद होनी चाहिए, उसके पर में एक स्प्रिंग लगा होना चाहिए, उसकी परों की तरतीब बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो पसंद लोग करते हैं या हम भी करते हैं, मगर उसको ज़्यादा तरजीह देते हैं जो हमारे कबूतर उड़े होते हैं, जो आगे अच्छे वाला लाइन से अलग अलग होते हैं, यही सारे देखते हैं, जोड़ हड्डी देखी, ठीक है, देखा कि कबूतर आसमान जाने वाला है, पर हम तो छोटे वाले कबूतरबाज, ठीक है, इन चक्रों में पड़ेंगे ना तो फिर हमारी कबूतरबाजी खराब होगी। खराब हो, सच्ची बात कर रहा हूँ, बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं, ठीक है, कि आप बोल क्या कि मैं तो बात छुपा रहा हूँ, छुपा नहीं रहा कि जब बंदा ज्यादा सियाना हो जाता है ना फिर उसका बुरा वक्त आना शुरू हो जाता है। मैं हकीकत कह रहा हूँ आपको, आप देख लें जो जो सियाने हुए ना उनका रंग खराब होना शुरू हुआ, ठीक है, वो ऐसे देखेंगे ये जब देखते ना कि हम जाते हैं, अभी आप मेरे साथ चलो, लोकल दड़बी चली होती हैं, मैं आपको वो कबूतर दिखा देता हूँ जो लोग पसंद करते हैं, वो पड़े होंगे दड़बियों में भी होंगे, बांध दुम में होंगी, परों के स्प्रिंग भी होंगे, अब उनका क्या कह सकते हैं कि अच्छा रंग आना कोई जरूरत नहीं। मैं आपको एक बड़ा लाखा कबूतर दिखता हूँ, आपको कबूतर उठाता हूँ ना उसका स्प्रिंग है ना उसकी बॉडी है, ठीक है, आप अभी देख लें परों की तरह, वो कहते हैं बिल्कुल तरतीब पार होते हैं, ठीक है ना, इसको कहते हैं 20 के 20 पार अच्छे लगे, बड़ा कबूतर, यकीन माने उसके बच्चे शाम तक उड़े हैं, उसका बाप शाम तक उड़ा है, उसका दादा शाम तक उड़ा है, इससे बड़ी और खुद उड़ा है, ये खुद 8-8 बजे तक बड़ा लगता है, खुद वो कबूतर हमारे पास में जेठ में बाजू में 8-8 बजे तक 7:58 तक वो बैठता बाजू में, ठीक है, और एक दफा नहीं यानी 7:58 तक कबूतर जेठ में बैठा है, 45 में उड़ा है, 44 में उड़ा है, 46 में उड़ा है, कबूतर ऊपर से नहीं आए, वो निकल के आए हैं, अब तक तीन खुद देख लेना और लाई जाना, ये कबूतर देखो, उस्ताद जी आप दिखाए, चल ये आप इसके पर देख रहे हैं, आप पर देख रहे कोई इसके बहुत अच्छे कबूतर वाले पार नहीं है, आप खुद कबूतर बाज है, आप देख रहे हैं, देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, अब इसके कबूतरों वाले अच्छे पार तो नहीं है, सच्ची बात करनी है आपने, अब आप इसके पार पसंद करते हैं, सच्ची बात करनी है आपने, मैं ये पार पसंद करता हूँ, अच्छा। मैं पार पसंद करता, अच्छा चले, जो लोग करते हैं वो तो ये पार तो नहीं है ना, आप करते तो अलग बात है, लोग जिन परों के पीछे पड़े हुए ये वो पार नहीं है, नहीं है ना, ये वो पार नहीं है, और जो जिन्होंने सारी उम्र डंडा चलाया ना उनका ये पार है, ये आप ठीक कह रहे हैं, ठीक है जी, आप इसकी बॉडी देख लें, बेसूरा सा कबूतर है, दुम भी देखो कितनी मोटी है इसकी, ये गढ़ वगैरह भी इसकी मोटी है, देख सकते हैं आप, ठीक है, मगर ये कबूतर 8-8 बजे तक बैठा नजर आ रही है, रोशनी अगर जाना दोपहर बैठ जाते हैं, अगर आपको रोशनी का प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों, ये सिर्फ कबूतर उड़े हुए कबूतरों में से बने हुए हैं, ये चौथी पीढ़ी का कबूतर है, तीसरी चौथी पीढ़ी का कबूतर है, और आगे इनके बच्चे मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये लाल बादशाह में से, ये बड़ा लाल बादशाह, बड़ा लाल बादशाह, बड़े लाल बादशाह का पट्टा है, इस असल नाम इनसे पड़ा है, आगे जब इन्होंने कबूतरों ने मैदान मारे ना तो पहले तो हम इनको लखे कहते थे, लखे, फिर हम इनको लाल बादशाह कहना शुरू, दोस्तों
ये वाली जो छाप है ना, जरा देखिए इस कबूतर, ये जो दुनिया के वाले लाखे ना, ये वो नहीं है, ये बात पक्की कन्फर्म है। और सारी की बेटा वो साख वाला कबूतर भी दिखाओ, अब्दुल खालिद हाँ, शोर कमांडर भी दिखाओ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमने इनको उड़ाया है 2 साल, ये बाजी उड़ाया कबूतर शाम की परवाज यार, देखो 7-8 बजे से ऊपर कुछ चीज होती है कुछ नहीं, यही टाइम। अब ये 4 साल गलबन 3-4 साल कबूतर उड़ा है ये, अब इसकी ये देख ले, दोस्तों ये चैंपियन कबूतर है। और उस्ताद जी इसकी जरा थोड़ी सी हिस्ट्री भी बता दीजिए। ये 3 साल उड़ा है, पहली 4 साल उड़ा है, एक पहली परवाज से हम इसको डालते थे, 11 परवाज ये मुकम्मल करता, मौसम तूफान भी थी, बारिशें भी थी, और जैसे भी मौसम आया ये उड़ा है और इसने वापसी की है, ठीक है, इतने साल। उसके बाद हमने अब इसको जोड़ में डाला, ये कबूतर शोर कमांडर, और शाम से पहले नहीं बैठे, शाम शाम कबूतर उड़ा बाजी में, ठीक है। इसकी अब भी हिस्ट्री है, किसी से भी ये पूछ सकते हैं शोर कमांडर के बारे में जी, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है। और चैंपियन कबूतर है, अब हमने अब इसको जोड़ों में डाला है। अब हमने ये काला क्यों जोड़ों में डाल दिया, किसके हमारे पास कारनामे हैं। अब आपको एक बात बताऊँ, लोग टैडी टैडी कर रहे हैं ना, टैडी टैडी टैडी, अब जो मेन कबूतरी उनमें टैडियों में डाल के बनाई गई थी, वो कबूतरी वो जो किसी की पकड़ी थी इन्होंने, जौनश्री कबूतरी, वो उड़ी हुई कबूतरी डाल के कबूतर बने थे ना। अब आप उसमें एक बात, लोग कहते हैं ना कि ये उड़ने वाले कबूतर जरूरी तो नहीं होते कि ये जोड़ में डाला जाए, अगर टैडी की हिस्ट्री आप उठा लें तो जब वो कबूतरी डालेगी ये जौनश्री, उसमें से फिर टैडी आगे बने हैं, ठीक है ना। तो वो कबूतरी की परवाजें आप उस इलाका से पूछ लें शाम शाम की थी, ऐसी बात है। तो उड़ी हुई डाल के उस्ताजी उस कबूतरी के ऊपर मैंने एक स्पेशल प्रोग्राम किया हुआ था बाबा जी के साथ, किया वो 3 बहन भाई थे और तीनों ही यही परवाजे थी, 2 जो है ना वो घर नहीं थे बैठते, ओवर परवाज हो जाते थे, जो घर बैठती थी उसी का बिल्कुल। इसका दिमाग देखिए माशाल्लाह, खोपा देखिए इसका, बाकी कबूतरों से इसका काफी बड़ा है, ये देखिए इसकी खोपड़ी बाकी कबूतरों से काफी बड़ी है, इसकी बर्दाश्त बहुत ज्यादा है, अभी तक कुछ लगवाया कबूतर, ठीक है ना। यकीन माने जब भी ये कबूतर बैठा है ना, इसको फील नहीं हुआ कि मैं उड़ के आया। इस दफा 2021 में मेरे पास सनी जापान वाले का मुनसफ आता रहा है, और इधर से लोकल मुनसफ आते रहे, तो वो कहते थे यार इस कबूतर की खीर है, इतनी गर्मी में नीचे आके फिर वापस जाता है, 2-4 दफा जाता था बंद होकर। हम ऐसे जोड़े बनाते इसलिए हमारे पास जोड़े कम है, ठीक है। अपने उड़े उड़ाए कबूतर जब अपने डालने होते ना, तो उसमें जोड़ों की कमी होती, जोड़ा एक अच्छा बनाने के लिए ना आपको टाइम चाहिए, लोगों के पास तो हजारों जोड़े हैं भाई, ठीक है ना, एक अच्छा जोड़ा बनाने के लिए टाइम चाहिए, फिर उससे आगे आप चला सकते हैं, बना सकते हैं, लोगों की मेहनत भी बड़ी है भाई। अब ये कबूतर देखें, ये पंजाब विनर कबूतर है, उस्ताद अमीर मुख्तार की छत का, आपने पोस्टर देखी होगी साके वाला काजल, बिल्कुल साके, ये वो कबूतर है, वही बिल्कुल खुद वही कबूतर, ठीक है। इस साल भी ये उड़ाए बाजियों में, इसके पर खराब होने के बावजूद ये कबूतर, ये देख लें आखिरी दो परवाज में, ठीक है। ये उस्ताद अमीर मुख्तार से मैं लाया हूँ एक नस्ल बनाने के लिए, मेरी कबूतरी चैंप अंडे पे अंडे उसने देने से लिया, आपको शॉप नहीं करवा सकते, तो नराली कबूतरी, उस कबूतरी की हिस्ट्री ये है कि वो मेरे पास जितनी परवाजें उड़ी है ना, फड़कों से लेकर बाजियों तक, उसने बस इतना सूरज रहता था, इतना सूरज कि टिक्की बिल्कुल एंड पे होती है, ग्रुप होने वाला होता है, वो कबूतरी बैठती है ना, वो कभी रात रही है, ठीक है, अपनी पूरी फड़कों में ना, उसने अंधेरा होने दिया मुकम्मल, ऊपर फुल अंधेरा करके बैठूं, उसके ऊपर कबूतर रुक जाते थे बैठते थे, मगर उसने न कहना ना ना ना, सुबह उठ के आसमान चली जाना है, 0 से जब उसने निकलना है ना, उसने किसी कबूतर का नोटिस नहीं लेना, सीधी आके अपने घर बैठना है। शाम को मतलब 7:07 उसकी कहानी थी कबूतरी की, ठीक है ना, इस लेवल की वो कबूतरी थी, उसके लिए मैं ये लाया हूँ नस्ल चलाने के लिए कबूतर, ठीक है। और इस कबूतर ने भी आलमवीर मुख्तार की छत पे पूरे पंजाब को हिट की बाजी हराई है, हिट की बाजी, इसकी प्राज भी शाम से कम नहीं है, शाम शाम ये उड़ा है। और देख लें, अगर आजकल के हमारे जो न्यू भाई हैं ऐसे कबूतर दड़बियों में पड़े तो कोई पसंद नहीं करेगा, ठीक है। मगर हम आपको इंटरव्यू से शुरू करने से पहले भी आपको ये बताया कि हम नस्ल देख के जोड़े लगाते हैं, ठीक
नस्ली ही दोस्त काम आता है, नस्ली ही कबूतर कामयाब होता है, हर काम नस्ल पे होता है। ये हमारे दोस्त ही ठीक है इसमें कोई शक तो सर जी इसका जरा शोध करवा। ये देखिए कबूतर, ये असल में उस्ताद अमीर मुख्तार के पास कबूतर पर खराब कर गया था। अच्छा, अच्छा। तो उन्होंने कहा यार मैं जोड़े में डालना का, मैंने आपने नहीं डालना, ये मैंने डालना, ठीक है ना भाई। ये उनकी शफकत, उन्होंने फिर हमें दे दिया कबूतर। इधर से पर देखिए बस, ठीक है। वैसे भी पर जो क्रीज में लगा है कबूतर। ये दोस्तों वो कबूतर है जिसने पूरे पंजाब को हिट की बाजी हराई। कुछ लुकी छुपी बात तो है नहीं, ठीक। हाँ, इसकी पोस्टर भी आपके सामने ऑन द कार्ड, ये कबूतर है। और इस कबूतर की ये बेसिक काजल कबूतर है, काजल। तो ये जोड़े में डाला हुआ है, इसकी नस्ल बना रहे हैं हम आगे, ठीक है जी। इसके 8-10 पट्टियाँ पट्टे काट कर उस कबूतरी के साथ आगे जोड़े डालेंगे, तो इंशाल्लाह दिल मानता है चैंपियन के साथ चैंपियन। यही बात देखो, जब पर पट्टी होती ना कबूतरों की, सैकड़ों के हिसाब से कबूतर जालों में होते हैं, जालदार बहुत खूबसूरत लोग होते हैं। जो मैदान मारते हैं ना कबूतर वही कराते हैं, चाहे वो जालदार हो, चाहे जौन सिर हो, जो कैसे हो, ठीक है ना। हम मैदान मारने वाले को करंट जाता है उसी कबूतर को जाता है, जो मुश्किल वक्त में आपका साथ दे दोस्त वही होता है। बिल्कुल ठीक है। ये 2020 का चैंपियन है जिसके साथ हमने कबूतरी लगाई है, वो 2019 की चैंपियन है। ये दो ताकतें हैं, जब ये आपस में मिलेगी तो इनमें से एक तीसरी ताकत निकलेगी, वो इनसे भी ज्यादा होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बाकी अल्लाह सब का भला करे। बाकी कबूतर दिखाओ, लाल बादशाह में दिखाओ को दो को। अपना नराली और लाल बादशाह का पट्टा दिखाओ। कबूतर आए हमारे पास बेंगमा से भी 5-6 पीस आए, तो इस तरह आप इंशाल्लाह उनका भी रिजल्ट लेना चाह रहे हैं। देखते हैं अब सारे अच्छे कबूतर हैं उनके भी। ये कबूतर जो है ना, अब इस मिस्ट्री से होंगे, एक मिनट वेट करना पड़ेगा। हाँ ठीक है दोस्तों, अजान हो रही है, पंखा चला दो यार। अब ये कबूतर है, ये जो आप आपको मैंने पहले कबूतर दिखाया है ना, वो आपको उसका पट्टा है, और जो निराली कबूतरी ना मेरी पंजाब चैंपियन बनी उसके साथ ये निकला हुआ है, ठीक है। अब मैं इस हद तक मजबूर हो गया था कि इसकी 4 पट्टियाँ मुझे रोकनी पड़ी जोड़ों के लिए। निराली कबूतरी इस पट्टे की, इस पट्टे की, इस पट्टे की, इस पट्टे के मैंने इधर एक पट्टा है वो भी आपको शॉप करवाता हूँ। मैंने जितने बच्चे छोड़े हैं ना, अभी जो भद्रू मैं उड़ा रहा था ना, तो मेरे पास ना कबूतर बैठ रहे थे 2-2:30 बजे, जो मैंने उड़ा रहा था तैयारी में, खुराक लगे हुए कबूतर थे, इसके बच्चे दो मैं उड़ा रहा था, इस कबूतर के 2 बच्चे मैं शॉप करवा सकता हूँ। बेटा नहीं है लूडा ने दूसरा, वो ऊपर से बैठ रहे थे 6:30-6 बजे, जो सिर्फ दाना खा रहे थे, और रात रह के फिर बैठ रहे थे, ठीक है। एक खुराक लगे कबूतरों की ये परवाजें हैं, तो जो दूसरी परवाजें हैं ना इसके बच्चों की, वो आपके तारों के वो ऊपर से 3 बजे बैठ रहे थे। निराली कबूतरी के साथ? नहीं नहीं, इसकी और पिपला वाली कबूतरी। अच्छा, पिपला वाली, ये निराली का पट्टा है। अच्छा, ये निराली का पट्टा है, पट्टा है, और लाखे का, लाखे का जो भी, ठीक है। और इसको मैंने लगाया हुआ है इस बार मीर मुख्तार वाली कबूतरी के साथ, इतनी परवाजें ये बच्चे दे रहे थे, ठीक है। और इनमें बाल जो सबसे अच्छी है ना, इनकी हड्डी कमाल की है और मजबूत हड्डी है कबूतरों में, ठीक है। जिसे हम पसंद करते हैं, पसंद ऐसे करते हैं, जो बंदा कबूतर उड़ाता है ना उसको अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये हड्डियाँ मेरे पास उड़ी हुई हैं, ठीक
ठीक है, वो क्या आपका कबूतर है चाहे मेरा कबूतर है, हम जब दूसरी छतों पे जाते हैं ना, कहते हैं यार ये बहुत अच्छा कबूतर है, बहुत पसंद आया, उसकी जितने काफ़ी आज़ादी होती है कि कुछ बंदों को अपनी अपनी चॉइस के मुताबिक वो बात करता है जी मुझे पसंद आया, उसके पास वो कबूतर कुछ उड़े होते हैं, ठीक है। हम ब्रीडर कबूतर पास तो है नहीं, हम तो उड़ाने वाले, मगर हमें यकीन माने सब को बता रहे हैं कि जब भी जोड़ा लगाया है ना उसको मैं सिर पर लगाया और रिजल्ट हमेशा आया है, ठीक है। चंद जोड़े रख कर भी हमारे रिजल्ट आए भाई, आप खुद देखें सारे दोस्त सुन रहे हैं कि अगर आपका 100 दोस्त है मुश्किल वक्त में आपका कोई काम नहीं आता, वो आपका कौन सा दोस्त है? जो कबूतर आपके पास चेट मुश्किल वक्त में आपका साथ दे के उड़ते हैं और आपको चैंपियन कराते हैं वही कबूतर हैं। हम ट्रक की बत्ती पीछे लग जाते हैं, कभी कोई दिखाता हम उसके पीछे भाग पड़ते हैं, यही कबूतर हैं। कबूतर शाम तक उड़ते हैं, मेरी अपनी मेरे फेवरेट ये कबूतर है लाल बादशाह, जिन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी जिनकी वजह से मैं ऊपर आया, ठीक है। जेठ के कबूतर कबूतर ये हैं, जेठ के इनका पर जिस पे भी गुजरता है ना उन कर रहा है हमारे पास आप शौक, कोई जौन सिरे बन जाए कोई कलसरे बन जाए आप नहीं बन। एक मिनट उस थोड़ा सा दरवाज़ा खोल बैर बैठना, बैर बैठ जाती है रोशनी आ जाए, वैसे रोशनी है वो बाहर ही आ जाए, रिजल्ट के मैसेजेस वैसे आ रहे थे दोस्तों के लिए बाहर आ जाते हैं ताकि आपको आप इधर आए, अब मजा आएगा देखने। हाँ जी अब मजा आएगा, ये दोस्तों इसकी ये जगह देखिए खास, मुझे इन कबूतरों में बहुत पसंद है, देखिए चूंच किधर से निकली है इनकी, ये इसके ये पंजे कंजे हैं, चलो देख लीजिए हाँ माशाल्लाह, ये इनमें से क्या तैयार किए के पट्ठे हैं जी, ये इनमें से लाल बाग जी जी उस्ताद, ठीक है जी। तो इसमें से जौन सिरे बन जाते हैं, कल सिरे बन जाते हैं, इनमें कुछ टैडी पर भी है पुराना, अभी न्यू नहीं डाला, तो जो जिस माध्यम से बड़े लाल बादशाह निकले थे ना उसमें कुछ टैडी पर भी था, ठीक है। मगर ये कबूतर वापसी वाले बहुत हैं, बहुत अच्छे उड़ते हैं, ठीक है। इसके नाखन ये देख लें और इसकी ये नोक देख लें, लाल नोक है, लाल नाखन है, लाल गर्दन है, इधर ऐसे हाथ ऊपर करके पकड़िएगा, ये दोस्तों अब देखिएगा ये 10 घंटे उड़ा है मेरे पास बदरू में, माशाल्लाह कितना अच्छा है। हाँ जी दोस्तों कैसे हैं सब दोस्त, जिन दोस्तों को सलाम का जवाब नहीं दे सका माजरत चाहता हूँ, मेरी तरफ से सबको इकट्ठा सलाम। ये जो आपको पहले नराली का पट्टा दिखाया है ना, हाँ जी उसका ये पट्टा है, उसका ये पट्टा है, उसका ये पट्टा है, इसके ये पर देख लें आप, इनमें सबसे जो अच्छी बात है ना जो मुझे पसंद है इनमें गर्मी की बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। कभी आपको पलटना भूल भी गया है ना ये आपको महसूस नहीं करवाएंगे। ये पिपला वाली कबूतरी है जी जिसके साथ लग के दिख रहे हैं, अच्छे उड़ते हैं जी, 10-11 घंटे गर्मी में इसकी अपनी परवाजें, शाम हो जाती तब तक ये देखिए छोड़ के ऊपर देखिए, ये मैंने आगे बनाए पिपलों वाले कबूतरों में डाल, ये बक्सुए हम लगाए होते हैं कि लड़के होते हैं ना हम, आप आते जाते भी हैं जी, ये लाल बादशाह में से, ये भी लाल बादशाह कबूतर बड़े ख्याल, छाड़ दे छाड़ दे, थे खुल जाएगा दरवाजा, खुल जाना है उस्ताद जी दिया खुवाया जी। ये जनाब अमीर मुख्तार अपना उस्ताद वाला अनमोल कबूतर है, लाल बादशाह मादी है, जिनमें से ये आगे फिर हमने बनाए हैं, अच्छे खून में डाले हैं जी, अपनी तरफ से तो बेहतर बनाने की कोशिश की, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। उनके वो कबूतर चैंपियन है और आपके ये कबूतर चैंपियन, हाँ जी हमने तो चैंपियन के साथ चैंपियन के साथ चैंपियन, ये भी लाल बादशाहों से निकली हुई है, ये भी लाल बादशाहों में से, इसकी माँ निराली है, अच्छा निराली की, वो जो आपने लाखा पट्टा देखा है ना उसकी बहन है,
उसकी सकी। हाँ जी, इसके बच्चे भी रोके हुए हमने उड़ाने के लिए, आगे जोड़ों के लिए, ठीक है। तो देख ले इसका पर भी देख, बहुत अच्छे उड़े हमारे पास। और हाँ जी, ये तीनों एक ही माँ बाप की औलाद है, वो आपको जो पहले दिखाया है, ये दोनों एक ही पूर की पट्टियां हैं, ये लाखी और स्लेटी, स्लेटी कट्ठी बने। हाँ, एक ही पूर में निकली है दोनों पट्टियां हैं। आप अच्छे कबूतर मजीद और इनमें क्रॉस कराएंगे और कितना वाली साहब ने डाले हैं, पारी बड़ा शानदार लगा हुआ सारे के सारे। देख रहे हैं जब कबूतर आपस में लगते हैं ना, चैंपियन और चैंपियन कबूतर मिलते हैं, जो कबूतर चैंपियन बनते हैं ना, उसकी चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, उनमें वो चीजें अच्छी सारी मौजूद होती है, तब भी वो चैंपियन बनते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब वो चैंपियन और चैंपियन से आगे लगा के जोड़े बनते हैं ना, उनमें से फिर सारी चीजें खुद ही अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो अच्छी सारी चीजें थी तब ही उड़े हैं ना, अच्छी ना होती तो तब कैसे उड़ते। बिल्कुल ठीक है ना, कबूतर डेट में शाम शाम प्रवास दे रहे हैं, तो उसकी सारी चीजें अच्छी हैं, वो दे रहे हैं ना, टेम्परेचर में दे रहे, क्योंकि ये अकेला जेट नहीं होता, उससे निकलना आगे बिसात से निकल के आना गर्मियों में मौसम में बाजियों में, वो बड़ा मुश्किल होता है, सारे मौसम देख के आना वो बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल। हर कबूतर के ये खुश नसीब कबूतर होते हैं जिनको उस टाइम पे लगते हैं, बिल्कुल कुंडे भरे पड़े होते हैं कबूतरों से, ये मेरा ऐसे करेगा, ये ऐसे करेगा, हम छोड़ते हैं ना, कोई किधर से गया, किधर गया, कोई किधर गया, सही तरह मिलते भी नहीं। एक कबूतर से बनाए हुए ये कबूतर है। एक इंटरव्यू में हमारे भाई नजफ भट्टी साहब कह रहे थे कि ये मेरे कबूतर है, देखिए मेरे वो भाई हैं, मैंने आपको ये तो नहीं कहा कि ये मैंने घर बनाए थे पहले, एक कबूतर मैं लाया था और इधर से लाया था, ठीक है, रब्बा से लाया था, अपनी पार्टी की छत से, उससे ये बनाए गए कबूतर है, ठीक है। फिर आगे हमने इनको जैसे मेंटेन रखा, वो हमारे अपनी उनके पास ऐसे रहे, जो जैसे मेरी बात सुन, अगर एक कबूतर मैं आपसे ले आता हूँ, मेरे पास उड़ते हैं, आपके पास क्यों नहीं उड़ते, ठीक है ना? यही बात बाकी हर बंदा अपने आप को बड़ी बातें करता है, ऐसी बात नहीं है, कबूतरबाज में सारे भाई हैं, तो जो हक और ईमान की बात होती है, मैं किसी के बारे में झूठ बोलूँगा, मैं अपनी नेकियाँ उसकी तरफ ट्रांसफ़र कर दूँगा, उसके गुनाह अपने साथ ले लूँगा, ठीक है, झूठ बोलने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है, हकीकत जो है मैंने आपको बयान की है, और ये कबूतर हमारे पास जो दिखा, जिसका कबूतर भी हमारे पास उड़े, हमने कभी ये नहीं कहा कि ये हमारा है। मैंने आपको बताया कि नुमान पट साहब के कबूतर मेरे पास उड़े, ये देखें, अब ये लाल बादशाह और सारे लाल बादशाह हैं, ये पिपला वाले नहीं है, इसकी जो माँ है ना वो नुमान भट्ट वाली है। अच्छा, नुमान भट्ट वाली, इसकी माँ नुमान भट्ट वाली है, ये अब आगे पिपला वाले के साथ, ये पट्टी है एक डेढ़ साल की है, ये आगे मैंने लगाई है कबूतरों के साथ, इसमें नराली पर भी है, और नुमान भाई ने लाल आंख वाली पट्टी गिफ्ट की थी, उसके साथ में लगा के ना इसकी माँ लाल बादशाह से, तो ये निकाली थी। सर इसके जरा आंख दिखा दे ताकि दोस्तों को नजर आ सके, ये जो ज्यादा लाली आ रही है ना, कबूतरी का लाल आ रही है, हाँ, ये नुमान भट की कबूतरी की वजह से आ रही है, वो कबूतरी कसूरी थी, हाँ जी, वो डोरा नजर आ, हाँ जी, इसकी ज्यादा लाल आंख, बाकियों में जो है ना वो लाल आंख है, हाँ वो कम है, इस अकेली कबूतरी में ना वो नुमान भट्ट वाली कबूतरी पड़ी है, तो इसकी लाल आंख ज्यादा हुई है, मगर कलर इसका लाख ही बना है, ठीक है ना जी। वो मियां नजीर साहब वाली कबूतरी थी, तो उड़े भी अच्छे हैं, ये सारे अच्छे उड़ते, एक जैसे उड़ते, एक ही क्लास के कबूतर हैं, एक ही क्लास में ये भी उड़ते हैं, ये देख लो बेटा, वो फ्रोज पूरी कबूतर देखे सारे, एक कबूतर पैस फोटो जो पकड़ कर रहे होंगे, दो दफा आपसे बात हुई है, दोनों दफा आपने जो वो आउट ऑफ सिटी था, मैं आउट ऑफ सिटी था, इस वजह से आपसे मुलाकात नहीं हो सकी भाई। चले शुक्रिया, थैंक यू आपकी मोहब्बत का, वेलकम भाई। अच्छा दोस्तों, अब उस्ताद जी के कुछ कबूतरों के मैं रिकॉर्डेड वीडियो बताऊंगा, इसलिए क्योंकि अंदर थोड़ा सा रिजल्ट का प्रॉब्लम आ गया था, तो इंशाल्लाह कुछ कबूतरों की 8-10 मिनट की यूट्यूब के लिए एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, उस्ताद जी के जो कबूतर दोस्त देखना चाहे तो वो कबूतरबाजी के राज और मूज का जो यूट्यूब चैनल है वो मेरा नहीं आपका अपना चैनल है, वहाँ पे जाके विज़िट कीजिएगा और ज़रूर देखिएगा, और साथ में दोस्तों फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब दीजिएगा इजाज़त, फ़ीमान अल्लाह, हाफिज़ आप सबका, अल्लाह ताला की ज़ात हामी होना सर, अल्लाह हाफिज़।